अब हम लोग आगे बताते हैं ना, उसने क्या कहा बाबू कि कोई भी फंक्शन अगर है तो वो कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, है ना, पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। तो पीरियोडिक होगा बाबू तो कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ इंटरवल होगा, जिनका क्या फंक्शन बताया ना, एक एक बार समझाएंगे, एक एक बार समझाना पड़ता है ना। जैसे यह मेरा क्या बाबू साइन एक्स का फंक्शन है ना, बायरा साइन एक्स का, तो ये जीरो हो गया, ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये मेरा टू पाई हो जाएगा। मतलब क्या सर, इस टाइम इंटरवल के बाद कहां से जीरो से टू पाई टाइम इंटरवल के बाद पुनः तो वही आ रहा है ना। यहाँ से देखो, ये यहाँ जीरो मान होते हैं, अप गया, टू पाई के बाद क्या किया, अप गया, सेम ग्राफ है, इस तरह से बाबू क्या होगा, हमेशा टू पाई के बाद ये अपने अपने इसी फिगर को क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। तब ये इसका टाइम इंटरवल कितना हो गया बाबू, टू पाई हो गया। तो हम लोग यहाँ फिक्स हो गया ना टू पाई, लेकिन हम लोग बाबू एक जनरल डिफिनेशन लिखेंगे, जनरल जब डिफिनेशन लिखेंगे बाबू तो वहाँ टू पाई पाई नहीं करते, जनरल फॉर्म लिखते हैं ना वेरिएबल के टर्म में, ए भी वेरिएबल के टर्म में। तो वही हम कह रहे हैं बाबू, लेट एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन बाबू, पीरियोडिक फंक्शन इन द इंटरवल, इन द इंटरवल बाबू, इन द इंटरवल, यहाँ इंटरवल जीरो से टू पाई, लेकिन ये फिक्स है ना, तो हमको फिक्स वाला नहीं लेंगे, हम एक मान लेते हैं इन द इंटरवल बाबू, क्या ए भी मान लेते हैं, इस इंटरवल बाबू ए भी मान लेते हैं, है ना बाबू, क्या इंटरवल मान लेंगे बाबू, ए भी मान लेते हैं। जैसे यहाँ ये साइन के लिए वैलिड है ना, लेकिन जब भी आप कोई डिफिनेशन लिखो, कोई फॉर्मूला लिखो, तो जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, वो सभी के लिए वैलिड होना चाहिए। इन द इंटरवल बाबू ए बी विथ टाइम पीरियड बाबू, विथ टाइम पीरियड, विथ बाबू टाइम पीरियड कितना होगा, अब यहाँ देखो टाइम पीरियड कैसे निकाले, टू पाई माइनस जीरो, अगर यही तो बाबू इसको ए मान लेते हैं, यहाँ से इसी पॉइंट को अगर बी मान लेते हैं बाबू, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा बाबू। इसको थोड़ा सा सेकंड मार्कर से लिख लेते हैं बाबू, विथ टाइम पीरियड क्या होगा बाबू, बी माइनस ए, है ना, टाइम पीरियड क्या होगा बाबू, बी माइनस ए, है ना। देन इट्स फूरियर, देन इट्स बाबू फूरियर सीरीज इज, देन इट्स बाबू फूरियर सीरीज, देन इट्स, एकदम शांति से पढ़िए, आई ये फॉर्मूला इतना बार लिखेंगे ना, इतना बार लिखेंगे ना कि आप लोग को याद हो जाएगा, डरना नहीं है, इधर के हमको तो डर लग रहा है, वही यही सोच रहे हैं, डरना नहीं बाबू। देन इट्स फूरियर सीरीज इज, फूरियर सीरीज इज बाबू गिवन बाय, गिवन बाय, यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, क्यों सर, क्योंकि हमको ए नॉट की वैल्यू लिखना है बाबू, और यहाँ बी एन की वैल्यू लिखना है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं। फूरियर सीरीज पढ़ाने के लिए बाबू थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, ऐसे आप छोटा सा लिखेंगे आप लोग को दिख जाना चाहिए, है ना। देन इट्स फूरियर सीरीज गिवन बाय बाबू, ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, फूरियर सीरीज कितना होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बाबू, कौन बोला, जोसेफ ने कहा, ए नॉट बाय टू समेशन बाबू एन बराबर वन से इंफिनिटी, बाबू म्यूट कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा बाबू, समझना तो पड़ेगा आपको, हम जैसे बताए बाबू वैसे पहले तो हाउ करके पढ़िए, और ये डिफिनेशन से डर रहे हैं आप, ठीक है, ये डिफिनेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमको पढ़ाना है ना, हमको तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, म्यूट कर लीजिए बाबू मेरे, म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, रिक्वेस्ट करें बाबू, म्यूट कर लीजिए ना, परेशानी क्यों कर रहे हो, आप लोग तो एक्सटर्न ट्यूरी नहीं पूरा बोल रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए बाबू, रेडमी वाई टू है सर, नहीं सुनेगा, ठीक है बाबू, तो डरना नहीं है, फूरियर से ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, इतना बार लिखे ना याद हो जाएगा, क्या होगा बाबू, एन नॉट बाय टू एन बराबर वन से इनफिनिटी, एन कॉस टू बाय एन बटा क्या बी माइनस ए बाबू प्लस समेशन ऑफ, उसने क्या कहा कि इसमें तीन टर्म होते हैं, एक कॉस का कोई भी सिग्नल बाबू, तीन टर्म होगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म होगा, एक मेरा ही कॉस है तो कॉस वाला टर्म होगा, एक साइन का टर्म आता है, बी एन साइन टू पाई एन एक्स बाबू अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। ये फूरियर सीरीज का बाबू क्या है, फॉर्मूला है, फूरियर सीरीज का क्या है बाबू, फॉर्मूला है, इसको ज्यादा शौक है तो ब्रैकेट में कर दीजिए, ज्यादा ये बाबू क्या है, म्यूट कर लीजिए, क्यों परेशान कर रहे बाबू, म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे ना, नहीं इच्छा पढ़ने की तो जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लड़का है सर, कौन है बाबू, रेडमी वाई टू सर, इसको हटाइए, लोगो सबका कहा था सर,
हम लोग अपना शुरू कर दे नहीं चाहे तो हम करें ना चले जाएंगे क्या दिक्कत है। तो ये बाबू क्या इसको हम लोग कहते जो ए नोट है बाबू मेरे जो ए नोट है इसको हम लोग कहते हैं डीसी टर्म कहते हैं या कॉन्स्टेंट टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं ये मेरा क्या बाबू डीसी टर्म है डीसी टर्म है ना या इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू कॉन्स्टेंट टर्म कहते हैं क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म कहते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म है ना। ये क्या कोसाइन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू कोसाइन टर्म कहेंगे क्या हो जाएगा आपका कोसाइन टर्म हो जाएगा। ये बाबू क्या साइन है ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे साइन टर्म कहेंगे क्या कहेंगे बाबू साइन टर्म कहेंगे। ये सब ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बाबू क्या होता है जो एन है बाबू एन है यहाँ भी एन है सर यहाँ भी एन है यहाँ एन मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है एन मेरा हारमोनिक को ही रिप्रेजेंट करता है हारमोनिक को बताता वेयर बाबू एन क्या है वेयर म्यूट कर दिए सबके बाबू क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग अशफाक आलम नहीं वो बाबू हमारे अच्छे वो नहीं रहेंगे। चलिए आप लोग लिखिए बाबू लिखिए बाबू आप लोग नए स्टूडेंट हो ना इसलिए लोगो आ रहा है ठीक है ना डबल क्लिक कीजिए जहाँ भी बाबू मेरा बोर्ड दिख रहा है वहाँ डबल क्लिक कीजिए लोगो नहीं आएगा डबल क्लिक कीजिए लोगो नहीं आएगा ठीक है ना वैसे जो बोलेगा बाबू उसका लोगो आ जाएगा। चलिए जल्दी से लिखिए यहाँ ए नॉट की अब यहाँ पे बाबू हम लोग क्या करेंगे ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू निकालेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं कोफिशियंट कहते हैं ए नॉट ए एन बी एन मेरा बाबू क्या कोफिशियंट है कोफिशियंट ठीक है ना तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। हाँ बाबू सर डीसी टर्म का मीनिंग क्या हुआ डीसी टर्म मतलब नहीं समझते बाबू सिग्नल हमारे पास कैसा दो सिग्नल होता है ना एक एसी अल्टरनेटिंग करंट होते हैं और एक मेरा क्या होता है डायरेक्ट करंट होते हैं है ना बाबू स्क्रीन शेयर मत कीजिए ना क्या ऐसे शैतानी कर रहे हो आप लोग स्क्रीन शेयर कोई कर दिया शैतानी मत कीजिए बाबू अरे तो फिर हम बंद कर देंगे ठीक है ना स्क्रीन शेयर मत कीजिए बाबू ये बच्चे वाले हम कौन इतना उस्ताद बन रहा है हेलो इसको बाहर कर दीजिए ना सर वाई टू को रेडमी वाई टू के बाहर कर दिया। अरे हम नहीं चाहते बाबू आप लोग आप एग्जाम है तो अच्छे से पढ़ लीजिए क्यों हम किसी का बुरा चाहेंगे। बहुत बकवास करता है मतलब अच्छा बाबू अभी कीजिए ना अभी हमारे ये टीचमेंट से पढ़ाएंगे ना तो वहाँ उसको एक्सेप्ट ना करेंगे इतना लिखे सही से लिखे बाबू हम मैथ का सुंदर से कॉपी बना ना प्राइज देना 200 रुपया मैथ वाले का हो गया सर लिखा गया। चलिए अब यहाँ से बाबू हम लोग क्या करेंगे ये मेरा क्या कोई भी सिग्नल है ना कोई भी सिग्नल रहे माने ट्रायंगुलर रहे रेक्टेंगुलर रहे ना तो उसमें यही तीन कंपोनेंट आए हैं ना ठीक है। अब यहाँ से बाबू आपको करना कहेगा फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना कहेगा मतलब क्या सर यहाँ से जो ए नोट की वैल्यू होती है बाबू ए नोट की वैल्यू होती है ध्यान से देखिएगा 2/ क्या होता है बाबू जो पीरियड है पीरियड मेरा क्या बाबू बी माइनस ए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ से बाबू हम लोग ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू निकालेंगे ठीक है ना इसमें इंटीग्रेशन यूज होगा ए टू बी बाबू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ठीक है ये हम लोग क्या ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे इसी तरह बाबू अगर बी एन की वैल्यू निकालेंगे तो टू बाई बी माइनस ए होगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है ना बताते हैं क्या ध्यान देना एन की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा बाबू टू बाई बी माइनस ए होगा है ना ठीक क्या होगा एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस बाबू टू पाई एन एक्स ध्यान दीजिएगा 2πnx अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स होगा। हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे ए नोट की वैल्यू निकालेंगे फिर यहाँ पे पुट कर देंगे ना तो मेरा ये सिग्नल भी आ जाएगा उसमें कौन कौन ऑर्डर का हार्मोनिक प्रेजेंट है कौन कौन एन एक्स जैसे मान लो एन की वैल्यू 1 पुट करो तो फंडामेंटल आएगा
इनकी वैल्यू टू पुट करोगे तो मेरा क्या मिलेगा, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक मिलेगा बाबू, है ना, सेकंड हार्मोनिक मिलेगा, इनकी वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो थर्ड हार्मोनिक मिलेगा। तो आपको जब सिग्नल में पता चल गया है ना कि थर्ड हार्मोनिक है तो उसमें हम फिल्टर लगाएंगे, फिर उस हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करेंगे और आपका जो एक्चुअल साउंड चाहिए वो आपको साउंड मिल जाएगा, बीच में झलक दिखला जब लगाना नहीं बजेगा, है ना। तो इसीलिए हमको फूरियर सीरीज एनालिसिस पढ़ना पड़ता है हार्मोनिक को हटाने के लिए। तो ए नॉट हो गया बाबू, एन हो गया। इसी प्रकार बाबू बी एन की वैल्यू जो होती है, ये ध्यान रखना, बी एन की जो वैल्यू आएगा बाबू कितना आएगा, टू बटा बी माइनस ए आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बाबू एफ ऑफ एक्स साइन टू पाई एन एस बाबू अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए बाबू इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू जरूर याद रखना, ए नाउ ए एन बी एन, है ना, आई एस क्लासेस में यूज होगा, जल्दी से लिखे इसको। क्या कर रहे हैं, जल्दी से लिखे बाबू। अब यही जो तीनों टर्म है ना, अब शांति से देखिए, ये जो तीनों टर्म है बाबू कौन सा सर, ये वाली और बी एन वाली और ये वाली बाबू, ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं यूलर्स फार्मूला। क्या कहते हैं बाबू, यूलर्स फार्मूला। ये तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यूलर्स फार्मूला, एफ ओ आर एम यू एल ए, यूलर्स फार्मूला, है ना। इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं, इतना लिखिए बाबू फिर आगे बता रहे हैं। जल्दी कीजिए, आइए ध्यान रखना। हाँ उलट फॉर्मूला सर, ए नोट कैसे आया बाबू, देखिए इसका कैसे आया बता दीजिए बाबू। देखिए यहाँ जो एन टर्म है, यहाँ जो बी एन टर्म है बाबू, है ना, तो इसको जब एक्सपेंशन करोगे ना, जब सिग्नल को एक्सपैंड करोगे बाबू, ठीक है ना, ये लगभग इसका जो डेरिवेशन है दो तीन पेज में जाता है ना, तो उतना आपको पढ़ना भी नहीं है, उतना आपको पूछता भी नहीं है ना, वो सब हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, बीटेक एमटेक करेंगे तब वहाँ पढ़ना है ना। तो अभी बताएंगे तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपके एग्जाम में सीधा यही पूछेगा बाबू, इसमें एन की वैल्यू पूछ देगा, बी एन की वैल्यू पूछ देगा, कुछ न्यूमेरिकल पूछेंगे, तो पहले ये सब जानोगे तब ना। आप इसको याद रखिए, ये आप इसको याद रखिए, एन की वैल्यू इतनी होती है, एन आउट की वैल्यू इतनी होती है और बी एन की वैल्यू इतनी होती है। इसके बाद आपको इंटरवल पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल, यहाँ हमने इंटरवल क्या लिया बाबू, ये भी लिया ना, ये भी लिया ना। अब यहाँ पे करेगा माइनस एल टू एल, आपका सिलेबस में दिया माइनस एल टू एल, जीरो टू एल, जीरो टू टू एल, माइनस फाइव टू फाइव, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में एनालिसिस करेंगे फूरियर सीरीज को। इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर में, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, इरेज होता है नहीं है बोर्ड, क्या किया जाए, आप लोग कितने, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है ना बहुत शांत है, सीधे साधे भी शांत हुए है ना, बाकी एक आधे वो शैतान आता तो डिस्टर्ब तो करेगा ना। चलिए बाबू अब हम लोग क्या पढ़े, ये मेरा फूरियर सीरीज था है ना, अब इसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक क्या है, डिफरेंट इंटरवल में, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू क्या करेंगे, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, छोटा छोटा सारा लिख रहे हैं, फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बाबू, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इन डिफरेंट इंटरवल, इन डिफरेंट इंटरवल, डिफरेंट बाबू इंटरवल मतलब क्या सर, छोटा थोड़ा लिख रहा है ना, स्पेस नहीं है, मतलब बाबू आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बाबू, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में फूरियर सीरीज निकाला। यहाँ हमने क्या निकाला, इंटरवल कौन सा लिया, बी टू ए लिया ना, यहाँ बाबू बी से ए से बी लिया है ना बाबू, यहाँ से हमने क्या इंटरवल लिया, ए से बी लिया है ना। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में आपको सिलेबस दिया, तो फर्स्ट जो इंटरवल दिया बाबू, फर्स्ट जो इंटरवल दिया हुआ है, फर्स्ट जो आपका इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फर्स्ट जो आपका इंटरवल दिया बाबू जीरो टू टू एल दिया हुआ, मतलब क्या सर, पहला जो आपका इंटरवल सिलेबस में दिया बाबू जीरो टू टू एल, मतलब क्या, ये लोअर लिमिट हो गया बाबू, ये अपर लिमिट हो गया, आपको इंटीग्रेशन में बताया ना, है ना, मतलब जो हमने यहाँ पे लोअर लिमिट वैल्यू हमने इस फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ किया, ए से बी के बीच में किया ना बाबू, मेरे ए से बी के बीच में किया ना, तो ये जनरल फॉर्म है, ये फूरियर सीरीज का बाबू जनरल फॉर्मूला ये हो गया। अब आपको जिस इंटरवल में पूछेगा,
जैसे यहाँ 0 टू एल है, फिर उसके बाद माइनस एल टू एल है, फिर माइनस पाई टू पाई है, फिर 0 टू 2 पाई, ये चार इंटरवल में आपको सीरीज पूछता है ना। तो जैसे जैसे पूछेगा बाबू वहां पे क्या करना, एबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना सभी जगह, एबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना और आंसर को लुटते जाना। मतलब क्या, 0 टू 2 एल कह रहा है बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, ए की वैल्यू कितना होगा, ए बी इंटरवल अगर हम लेते हैं, ये मेरा बाबू जनरल फॉर्मूला ए बी इंटरवल का, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, और बी के लिए यहाँ बाबू कितना हो जाएगा, 2 एल हो जाएगा, ठीक है। तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जो होगा बाबू यही होगा। अब यहाँ पे बाबू ए की वैल्यू 0 पुट करो, बी की वैल्यू 2 एल पुट करो, ए की वैल्यू 0 पुट करो, बी की वैल्यू 2 एल पुट करो, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, और ये जो इंटरवल बन जाएगा ये 0 टू 2 एल इंटरवल बन जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म है बाबू फूरियर सीरीज का ए बी इंटरवल में। अब जो जो इंटरवल करेगा वहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाना, आंसर लुटते जाना, है ना। तो हम क्या कर बाबू इसी में कर देते हैं, आप लोग पुनः लिखिएगा, है ना, लिखना ही लिखना है ना, लिखना ही लिखना बाबू, हम इसी में संशोधन कर देते हैं, इंप्रूवमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इरेज करेंगे बाबू, देखिए इसमें इसमें ए बी है नहीं ना, ई ए नॉट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है बाबू, 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। शांति से देखें, बी की वैल्यू क्या है, 2L है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बाबू, 2L पुट कर दिया। यहाँ पे बाबू क्या, बी की वैल्यू कितनी है, 2L है ना, तो पुट कर देंगे बाबू, बी की वैल्यू 2L हो जाएगा। ये आपका सिलेबस में दिया होगा, बच्चा वाला दे दिया कि एक जनरल फॉर्म लिख लीजिए और डिफरेंट जो जो इंटरवल है वहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये हो गया बाबू 0 टू 2L, खाली इसी में कर रहे हैं नहीं बाबू, जो आपका फूरियर कोफिशिएंट है ए एन बी एन उसमें भी करना है, ठीक है। तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, बी की वैल्यू कितनी है, 2L है, ए नॉट की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। ए एन की वैल्यू कितनी होगी बाबू, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 2L है, ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे आए बाबू, बी की वैल्यू कितनी है, ये ब्लैक है ना, ये बाबू कितना है, 2L है, ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पे आइए बाबू, बी की वैल्यू कितनी है, 2L है, और ये माइनस 0 हो जाएगा। लिखिए यहाँ, यहाँ तक लिखिए, यहाँ भी होगा सर, हाँ बाबू यहाँ भी होगा, 2L माइनस, क्या बोल रहे हो बाबू, ज्योति बाबू आपका आवाज कट रहा है जो... सर सर लिमिट में 0 से 2 पाई होगा ना, ये बोल रहे हैं। हाँ लिमिट भी होगा, 0 से 2L होगा, लिमिट भी होगा, बहुत अच्छी बात बाबू, लिमिट भी होगा 0 टू 2L। हाँ बाबू बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्रिकेट करता है 0 टू बाबू 2L। हाँ बाबू एल क्या इंडिकेट करता है, जैसे ए भी क्या है तुम्हारा, एक ए भी मेरा क्या बाबू, एक कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे बाबू एक इंटरवल ले लिया 0 टू 2L, कांस्टेंट मान लिया 2L तक, है ना। फिर नेक्स्ट आपको लेंगे बाबू माइनस एल टू एल लेंगे, सेकंड आपका सिलेबस में दिया, फिर उसके बाद पाई टू पाई, तो पाई मेरा क्या कांस्टेंट है, उसी तरह यहाँ बाबू एक कांस्टेंट है, और इसका कोई ज्यादा मीनिंग सिग्निफिकेंस नहीं है ना, एक कांस्टेंट है बाबू 0 टू 2L हो गया। यहाँ लिमिट भी होगा बाबू 0 टू 2L, है ना। और इसको यहीं छोड़ दोगे, इसको सिंप्लीफाई कर 2L माइनस 0 कर देना, है ना। तो ये 2 ये 2 कैंसिल कर लेना, नेक्स्ट लाइन में लिखना बाबू ये 2L होगा ना, यहाँ से 2L होगा, यहाँ से 2L। तो हम लोग बाबू इसको कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हटा दिए, और ये बाबू 2L से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बाबू 0 हटा देते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एन पाई एक्स अपॉन एल बच जाएगा, एन पाई एक्स अपॉन एल बच जाएगा। यहाँ बाबू ये 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो ये आपकी बात हो गई, ये मेरा इंटरवल हो गया 0 टू 2L, चार इंटरवल दिया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लिखे जल्दी से, थोड़ा जल्दी लिखे बाबू, अब एक चीज आओ बता देते आपको, आप लोग बुक पढ़िएगा ना। हाँ बाबू सर जनरल इक्वेशन में ए नॉट मतलब सब का वैल्यू लिख के आंसर लिखेंगे आप बाबू। देखो जनरल इक्वेशन ये है ना, तो या तो आपको डायरेक्ट थोड़ा सा माइंड है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, आने तो फिर जनरल इक्वेशन लिखे वहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है बाबू, आपकी कैपेसिटी है डायरेक्ट लिखने की तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हमको तो समझाना रहता ना बाबू, तो हमको तो जनरल इक्वेशन लिख के समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग फिर समझोगे नहीं ना। चलिए हो गया, है ना। अब देखिए एक आप कहीं भी पढ़िएगा ना, या कोई कोचिंग वोचिंग में पढ़िएगा,
तो जनरली यहाँ पे डरना नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग में बुक में क्या करते हैं बाबू, ए नोट लेते हैं, हम बता देते हैं ना यहाँ पे बाबू ए नोट लेंगे, जैसे यहाँ पे ए नोट लेंगे बाबू तो यहाँ पे टू नहीं लेंगे, है ना, यहाँ पे वो टू नहीं लेंगे, तो हमने यहाँ से क्या लिया, तो यहाँ पे टू नहीं लेंगे, अब बाकी सब में टू लेंगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाता, इसीलिए बाबू यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, डिवाइड टू किया, यहाँ पे बाबू स्टार्टिंग में डिवाइड टू किया, बहुत सारे बुक में ए नोट नहीं लेंगे, एक सिर्फ ए नोट लेंगे, टू नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ से यहाँ इसमें एक में टू नहीं लेंगे, बाकी दो में टू लेंगे, तो आप सिंपल सा यही परमिट याद रखो बाबू, ए नोट बाई टू और ए एन बी एन, और ए नोट ए एन बी एन में टू बटा बी माइनस ए, टू बटा बी माइनस ए, टू बटा बी माइनस ए, किताब पढ़ोगे तो यहाँ टू नहीं लेगा, यहाँ टू मैंने नहीं लेकर सोल्व किया रहेगा, लेकिन उसमें फिर भी यहाँ पे आप लोग डाउट हो जाएगा, किसी में टू होगा किसी में नहीं होगा, उससे बढ़िया यही फॉर्मेट फॉलो करो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। चलिए एक अब आप लोग खुद बनाइए, एक बाबू आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए, सेकेंड इंटरवल क्या बाबू, सेकेंड इंटरवल क्या है जो आपको सिलेबस में पढ़ना है बाबू, माइनस एल टू एल, सेकेंड इंटरवल क्या बाबू, माइनस एल टू एल है, मतलब क्या सर, पुट क्या करेंगे बाबू, पुट करेंगे जनरल इक्वेशन में ए की वैल्यू माइनस एल और बी की वैल्यू एल पुट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करना, जो जनरल इक्वेशन है बाबू उसमें ए की वैल्यू माइनस एल और बी की वैल्यू प्लस एल सब्स्टिट्यूट करना है ना, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले जनरल इक्वेशन लिखिए, फिर ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू कीजिए, जल्दी से कीजिए, फिर हम थर्ड इंटरवल बता रहे हैं, जल्दी कीजिए बाबू, टाइम नहीं है, बहुत पढ़ाना है बाबू, साउंड साउंड आपकी नहीं आ रही ना, नहीं आ रही बाबू साउंड, आप जो भी बोल रहे हैं ना मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए सॉरी बाबू, कोई स्टूडेंट शायद कुछ पूछ रहा है ना, उनका साउंड मेरे पास नहीं आ पा रहा, ये सेकेंड है बाबू, सेकेंड इंटरवल माइनस एल टू एल, तो ए की वैल्यू माइनस एल, बी की वैल्यू एल पुट करना है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, जनरल इक्वेशन को जो स्टार्टिंग बताया वहां पे है ना, उसके बाद इस तरह से सभी में पुट करना है, तो आपका ये सेकेंड फॉर्म आएगा, पुट करके बनाइएगा है ना, कितना बताएं बच्चे की तरह, थर्ड हम लोग इंटरवल लेते हैं बाबू, थर्ड हम लोग इंटरवल लेते हैं, कीजिएगा सब्स्टिट्यूट कीजिए है ना, आप लोग का एग्जाम है ना, आप ये सब तेज होना चाहिए, थर्ड है बाबू, थर्ड आप लोग के सिलेबस में दिया है, थर्ड आप लोग का क्या दिया, वो माइनस एल टू एल दिया, माइनस एल टू एल हो गया ना, थर्ड बाबू क्या, जीरो टू टू पाई, थर्ड इंटरवल क्या बाबू, जीरो टू टू पाई, मतलब क्या करना है सर, पुट करना है, लोअर लिमिट क्या है बाबू, ए माने जनरल फॉर्म में लोअर लिमिट को ए माने, ए की वैल्यू कितना पुट करना है, जीरो, बी की वैल्यू कितने पुट करनी है, टू पाई, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम कर देते हैं ना, इसको याद रखना कर देते हैं, ठीक है, थर्ड हो गया बाबू, तो यहाँ पे करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जनरल फॉर्म में मेरा क्या था सर, बी माइनस ए था, जनरल इक्वेशन यही था ना बाबू, बी माइनस ए था, बी माइनस ए था, यही था है ना, समझ में आ रहा है सभी को, हमको तो डाउट हो रहा है कि आप लोग को कहीं ना डाउट ना रह जाए, आप जनरल फॉर्म इस फॉर्मूला को बाबू इतना बार लिखिएगा, इतना बार लिखाएगा ना कि आपको याद हो जाएगा, ए नॉट बाई टू समेशन एन बराबर वन से इनफिनिटी एन कॉस टू पाई एन एक्स, टू पाई एन एक्स अपॉन बी माइनस ए प्लस एन बराबर वन से इनफिनिटी साइन बी एन साइन टू पाई एन एक्स अपॉन बी माइनस ए, एकदम याद हो जाएगा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है बताइएगा सर, हाँ बाबू क्वेश्चन तो पहले ये कंसेप्ट बता देंगे तब ना, क्वेश्चन डायरेक्ट बताएंगे तो आपको पता नहीं है कि कोफिशिएंट क्या है डीसी टर्म, इसमें भी हमको ये बताना है इवन फूरियर सीरीज बताना, ऑड फूरियर सीरीज बताना, हाफ रेंज बताना, कुछ बता देंगे, थ्योरी पहले खत्म कर देंगे तब ना क्वेश्चन बताएंगे बाबू, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग पगला जाओगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे बी माइनस ए की वैल्यू कितना होगा, टू पाई होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, यहाँ पे बी माइनस ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट बाबू यहाँ पे बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू पाई हो जाएगी, तो एक हमने लिख लिया आपको, बाकी सबको लिख के करना है, लिख के करोगे आपको फायदा करेगा, आप मेरे इसी तरह करोगे तो घाटा करेगा, जितना बार लिखोगे उतना बार आपको रिवाइज होगा, एग्जाम का टाइम है, रिवीजन का समय तो है ही नहीं, इसीलिए तो पहले पढ़ा रहे हैं कि आपको याद रहे, तो यहाँ पे कितना होगा बाबू, टू पाई हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना होगा बाबू, टू पाई माइनस जीरो, तो टू पाई बचेगा, आगे बाबू ये लिमिट बाबू जीरो से कितना होंगे, तो लिखते चलना है, टू पाई हो जाएगा, जो अस्कतिया दिया बाबू उसका कल्याण हो गया, होगा ना, बहुत सारा के छोड़ देते रहने दो तो वैसे ही रह जाएगा, यहाँ बाबू अपर लिमिट कितना होंगे, जीरो टू टू पाई होंगे,
यहाँ पे बाबू लिमिट क्या आएगा, टू पाई आएगा। यहाँ पे बाबू क्या आएंगे, टू पाई आएंगे, है ना। और कहीं बचा, और नहीं बचा होगा तो ये टू टू से क्या, टू टू से कैंसिल होगा बाबू, ये टू टू से कैंसिल होगा, ये टू टू से कैंसिल होगा। यहाँ बाबू टू टू से कैंसिल कीजिए और यहाँ टू टू से कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया बाबू जीरो टू टू पाई हो गया, फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन हो गया इन द इंटरवल जीरो टू टू पाई। जल्दी कीजिए बाबू, एक इंटरवल और बचा हुआ है उसको भी बता ही देते हैं सर, इसको आगे सॉल्व भी करना है ना सर। हाँ बाबू इसको, हाँ सर, फर्दर यू कांट सॉल्व बाबू बिकॉज यू डोंट नो अबाउट फंक्शन। जानोगे तब ना बाबू, यहाँ फंक्शन जानोगे, जैसे यहाँ फंक्शन अगर आपको पता होगा तो फिर इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बाबू। यहाँ एफएक्स अभी आपको पता नहीं ना, यहाँ एफएक्स की वैल्यू पता नहीं ना बाबू, तो आप यही सिंपली यही भर रखिए, है ना, कि टू टू काट करके एक लाइन और आगे लिखिए, कॉस एन पाई पाई एन एक्स अपॉन पाई कीजिए, है ना। इसके बाद चूंकि एफएक्स के बारे में आपको पता नहीं, इस क्वेश्चन कराएंगे एफएक्स दिया हुआ रहेगा और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल सी इन द न्यूमेरिकल बाबू, है ना। राइट डाउन नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट इंटरवल इज माइनस पाई टू पाई है, राइट डाउन बाबू सर थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है, वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसका छूट गया वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यस सर नोट कर लिया, यस। हाँ चलिए बाबू, और जो जो मैथ का फेयर से सुंदर से कर लिया बाबू अपना ग्रुप में डालिए, देखते हैं जिसका सुंदर रहेगा उसको 200 रुपया प्राइज रखे थे ना सभी को, जिसका सबसे सुंदर फेयर रहेगा बाबू उसको 200 रुपये प्राइज दे देंगे, अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे, है ना। सबका क्वेश्चन वीवीआई नहीं दीजिएगा बाबू, जितना पढ़ा दिए वही सब वीवीआई ही पढ़ाए, ठीक है ना। उस पर एक बार रिवीजन आप लोग कर डालिए ना, वीवीआई के पीछे क्या पड़ेगा, नहीं आया वीवीआई तो है, वीवीआई नहीं आया बाबू तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, बदनामी हो जाएगा ना। जितना पढ़ाए उतना कमांड कीजिए ना, इतना अच्छा से पढ़ाए हैं आप लोग, इंटरनल का एग्जाम दिए होंगे तो पता नहीं होगा बाबू की एग्जाम उससे ज्यादा आता ही नहीं है। नेक्स्ट बाबू क्या इंटरवल, माइनस पाई टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू क्या करें, ये फोर्थ नंबर आपका हो गया, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरल फॉर्म में, पुट ए बराबर क्या बाबू माइनस पाई लोअर लिमिट, बी की वैल्यू कितनी है बाबू अपर लिमिट पाई है, तो जनरल फॉर्म इक्वेशन ये है बाबू, ये है ना। थर्ड इंटरवल लिखिएगा, फिर जनरल फॉर्म का इक्वेशन लिखिएगा, और देखिए यहाँ पे मेरा क्या था, बी माइनस ए था, यहाँ पे बाबू मेरा क्या था जनरल इक्वेशन, बी माइनस ए था, यहाँ पे क्या था बाबू मेरे बी माइनस ए था, यही था ना, नहीं याद है सर, नहीं याद है तो पेज को टर्न कीजिए वहां से याद कीजिए, मेमोराइज तो बाबू प्रीवियस लेक्चर है ना। अब बाबू क्या, बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आई ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रिमेनिंग में भी इसी तरह से कीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी है सर पाई है, ए की वैल्यू कितनी है सर माइनस पाई है, तो एक तो माइनस पहले वाला था जो सर, एक माइनस पाई और आ गया, है ना, एक बाबू बी माइनस ए वाला पाई हो गया, ए माइनस पाई हो गया, आफ्टर लाइक दिस बाबू इन द सेम वे, इसी में इसी तरह, इसमें भी इसी तरह करेंगे बाबू, पाई माइनस पाई, है ना। सिमिलरली बाबू यहाँ भी आप वही करोगे, तो यहाँ भी बाबू पाई माइनस पाई करोगे तो क्या होगा आपका, कर दें कि हो जाएगा पाई माइनस पाई टू पाई, है ना, पाई माइनस पाई क्या बाबू टू पाई, हाँ बाबू ये टू पाई, अब बट यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा बाबू, यहाँ लिमिट चेंज होगा, लिमिट माइनस पाई टू बाबू पाई होगा, यहाँ लिमिट बाबू चेंज होगा, लिमिट क्या होगा बाबू माइनस पाई टू पाई होगा, आफ्टर देन बाबू हेयर इज ऑल्सो लिमिट चेंज बाबू माइनस पाई टू पाई, और ये बाबू आपका टू पाई यहाँ पे आ जाएगा, इधर बाबू टू पाई होगा, पाई माइनस पाई करेंगे टू पाई होगा यहाँ भी, और यहाँ भी आपका टू पाई होगा, ठीक है। तो ये बाबू हो गया, यहाँ से टू टू कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से टू टू कैंसिल कर दीजिए, ये टू आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टू टू कैंसिल, तो लास्ट लाइन में इसको क्लियर करके लिखिएगा। तो ये बाबू आपको क्या था, चार इंटरवल में फूरियर सीरीज बना था, इसके बाद आता बाबू आपको क्या आता है, हाफ रेंज सीरीज आता है ना, हाफ रेंज सीरीज आता है। थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते, ज्यादा सेवन मार्क्स का तो पूछता ही है ना, अब सेवन मार्क्स का पूछेगा बाबू तो उसी अनुसार पढ़ाया जाएगा ना, तो इसको सुंदर सा लिखना, यही पे आपको नहीं हौचपुच करके ना छोड़ देना, है ना, हौचपुच ऑल पिस्तौल नहीं होना बाबू, यहाँ पे इसके फर्दर एक लाइन आप लोग लिखिएगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा, है ना।
जल्दी से लिखे बाबू। आप लोग बाबू हम पढ़ाए हैं इवन और ऑड फंक्शन पढ़ाए हैं ना, याद होगा तो अच्छी बात होगा, नहीं याद होगा तो देखिएगा आप लोग। अब आपको हम पहले ये बता देते ना, इसमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा, टीचमेंट ऐप का हमें ये बता देता है कैसे आपको इंस्टॉल करना है। TACH बाबू MINT जो इंस्टॉल है अच्छी बात है, उस पर हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे बाबू, है ना। देखिए आपको हम स्क्रीन शेयर कर दिखा रहे हैं टीचमेंट कैसे करना है, उसमें वीडियो क्वालिटी और बेटर भी आते हैं, प्लस है कि ये 60 में 45 मिनट का जाने नहीं ना है। बहुत अच्छा बताओ। हाँ बाबू दिखा देते, थोड़ा जो जो नए स्टूडेंट है वो देख लीजिए है ना कैसे करना नहीं करना। यस सर दिखा दीजिए। इसी तरह इंस्टॉल कर लेना बाबू, एक इनरोलमेंट आईडी देंगे और वहां से आप लोग। लेकिन बाबू क्या होगा, कितना टाइम बच रहा, 2-5 मिनट के बाद फिर मैसेज आया ना बंद हो जाएगा, 7 मिनट बच रहा है। यस सर 5-9 हो रहा है सर। चलिए अच्छी बात है बाबू, अपना इनरोल कर दीजिएगा बाबू। देखिए हम स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं, ये डिस्प्ले दिखा सभी को। यहाँ से क्या करना बाबू मेरे, गो टू द प्ले स्टोर, ठीक है बाबू। आफ्टर देन बाबू टाइप टीचमेंट, ये क्या आ गया, इसको ऊपर कीजिए स्पेलिंग भी देखना चाहते देख लीजिए बाबू, CHMINT टीचमेंट, ये फर्स्ट में आ गया बाबू, टीचमेंट ऑन टीचिंग एप, ये हो गया। देखो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ से देखिए, चलिए कोशिश कर रहे हैं, अनइंस्टॉल करते हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा बाबू। आप लोग अच्छे बनिए ना, क्यों भाई लैंग्वेज यूज कर रहे हो, देखिए वो ये इंस्टॉल हवा खींच लो इंस्टॉल होगा बाबू की, कृपया करके शांत रहिए। क्यों कर रहे हो, जो प्रकृति अच्छा है यहाँ से बाबू। अरे बाबू सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, अरे तो कल से आप लोग का क्लास नहीं होगा, जो हमारे रेगुलर पेड स्टूडेंट है उन्हीं का होगा, अरे तो शांति से सुनिए क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद टीचमेंट ऐप इंस्टॉल करोगे बाबू तो वहाँ से रजिस्टर है, पहले OTP मांगेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा OTP आएगा। आफ्टर देन बाबू आपको रजिस्टर करना, तो एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कीजिएगा और ये आप इनरोलमेंट आईडी लिख लीजिए, ये क्लास का आईडी है बाबू, आईडी आप लोग लिख लीजिए। हाँ क्या ये आप लोग अपना आईडी लिख लीजिए, ठीक है ना, 1-2 ये क्लास आईडी बाबू, ये आईडी डालिएगा तभी आपका क्या हम ये इधर से आईडी इनरोल कर पाएंगे, ये आईडी आप लोग अपना लिख लीजिए, 1-2-222-8412 ये आईडी लिख लीजिए बाबू, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ना इसको लिख लीजिए क्लास आईडी, यही डालना है आपको। ठीक है ये आईडी डालिएगा और उसके बाद देखिए पहले क्या कीजिएगा, ट्रीटमेंट इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू मेरे, मोबाइल नंबर डालेगा, वो मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, उसके बाद रजिस्टर एज स्टूडेंट करना है, टीचर कीजिएगा कभी ना होगा, उसके बाद इनरोल करना आएगा, तो ये आईडी डालिएगा, उसके बाद इधर से हम इनरोल कर लेंगे, ठीक है ना। तो कल से बाबू हम लोग इसी से पढ़ेंगे, ये ट्रीटमेंट ऐप से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसको प्रॉब्लम होगा बाबू कॉल कर लेगा, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान करते हो। देखो कौन सर और कहिएगा मैसेज नहीं जा रहा करने के लिए बाबू, देखो ये जो लिंक है ना, हाँ बाबू आप सही बोल रहे हो ना, ये जो मैसेज नहीं करेगा सर, कॉल कर लेगा आपसे। चलिए ठीक है, लोशन बाबू भी आए हुए ना, उसी से पढ़ाते बाबू कल हम लोग, है ना। आज यही पर रहने देते बाबू, कल हम लोग पढ़ेंगे इवन फंक्शन और फंक्शन। सर नेट भी खत्म हो गया सर, हाँ बाबू कल से आप लोग बता के रखिएगा। टीचमेंट पढ़ाइएगा।
नंबर दे दीजिए ना सर। इनरोलमेंट आईडी अभी बताया था ना, उसी को यार ये कर लेना, हम इधर से इनरोल कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे बाबू। सर नंबर नंबर दे दीजिए ना सर, एक दूसरा स्टूडेंट है सर नौवा में, वो लड़का नंबर नंबर लिख लीजिए बाबू, 730।